बाघ जिसको भारत में सदियों से शक्ति का प्रतीक भी माना जाता गया है। जंगलों में उसके कदमों की आहट आज भी शरीर में सनसनी पैदा कर देती है। भारत की सारी जैव विविधता एक साथ अपने राजा बाघ की छत्र छाया के चारों तरफ केंद्रित रहती है, परंतु शक्ति का यह प्रतीक आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। माना जाता है कि 19वीं सदी में भारत में 1,00,000 बाघ हुआ करते थे। जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ रही थी, बाघ रहवासी क्षेत्रों में तेजी से कमी आना शुरू हो चुकी थी। इंसानों ने जंगलों की विनाश की कड़ी को शुरू कर दिया था और बाघों का अंधाधुंध शिकार किया जाता रहा, जिस कारणवश आज भारत के जंगलों में लगभग 2 से 2,500 बाघ ही रह गए हैं। नमस्कार, समाजलाइफ.in से मैं महेश शर्मा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विश्वजीत मोहंती, जिनका वाइल्ड लाइफ में बड़ा अनोखा कार्य है, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग काम है। ये उड़ीसा वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, इसके साथ ही साथ कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जो कि वाइल्ड लाइफ के फील्ड में काम कर रही हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे नेशनल एनिमल टाइगर की सेंसस को लेकर के, क्योंकि पिछले साल जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सेंसस के जो फिगर दिए थे उसमें उड़ीसा के फिगर थोड़ा सा डाउनसाइज हो गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि उड़ीसा में टाइगर्स की संख्या घट रही है। अब उस घटने का कारण क्या है, क्या सेंसस में एरर है, क्या उनका शिकार हो रहा है, या वो मर रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 1991 में और 2006 में उड़ीसा में खासकर सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है और सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर ठीक ठाक संख्या में बताए जाते हैं, तो लेकिन अब वो संख्या कम हुई, तो फिर ये कहाँ घालमेल कैसे हुआ, तो इस पर हम बातचीत करेंगे विश्वजीत से। विश्वजीत जी नमस्कार। विश्वजीत जी, ये टाइगर सेंसस को लेकर के एक जो कॉन्ट्रोवर्सी आई जिसमें उड़ीसा को निशाने पर रखा गया, बल्कि उड़ीसा सरकार ने कहा भी कि वो NDCA के सेंसस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो टाइगर सेंसस अपने राज्य में खुद करा करके रिपोर्ट देंगे मार्च 2020 में, तो वो मार्च 2020 में, तो आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सच है या क्या असलियत क्या है? देखिए, ये कोई कुछ नई बात नहीं है। 2008 से जब पहले सेंसस हुआ है, NDCA मेथड जो लेकर सेंसस शुरू हुआ सारा देश में, तो उड़ीसा में उसमें शामिल था, और उड़ीसा में पहले बार वो 2008 में सेंसस का जो रिजल्ट आया था हम लोग किए थे, तो तब से उड़ीसा गवर्नमेंट NDCA रिजल्ट को मान नहीं रही है। हर 2 साल में एक बार सेंसस होती है टाइगर का, और हर 2 साल में ये कंट्रोवर्सी आती है जो उड़ीसा सरकार बोलेगी जी NDCA का फिगर गलत है, हमारा ज़्यादा टाइगर है, हम लोग खुद सेंसस कर दिखाएंगे। तो मेरा ख्याल से बहुत सारे पैसा भी उसके लिए फजूल खर्चा होता है, क्योंकि उड़ीसा सरकार ने भी दोबारा सेंसस कराती है, इसमें भी करोड़ों खर्चा होते हैं और कोई फायदा नहीं है, क्योंकि NDCA एक बार सेंसस जो होता है वो पूरा एकदम जो वैज्ञानिक प्रक्रिया से होता है और वो टेस्टेड मेथड है, सारे विश्व में उसको टेस्ट किया जाए, सारे विश्व में उसको मानते हैं, और NDCA का जो फिगर है वो फाइनल फिगर सब कर सारे देश में उसको साइंटिस्ट टाइगर साइंटिस्ट कंजर्वेशनिस्ट सब मानते हैं, सरकार भी नहीं मानते। तो ये सिचुएशन अभी नया सिचुएशन है, उड़ीसा सरकार हर 2 साल ऐसे होता है, हर 2 साल कंट्रोवर्सी आ जाता है। लेकिन ये उड़ीसा सरकार ने तो NDCA के जो लास्ट ईयर का सेंसस का फिगर उन्होंने दिया था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद घोषित किया था और बड़े उत्साहित होकर के, तो उसमें जो उड़ीसा का फिगर आया था उसको लेकर के उड़ीसा सरकार असंतुष्ट थी और उसे प्रोटेस्ट किया था, उसे कहा था हम NDCA के फिगर्स को नहीं मानते हैं और हम अपनी सेंसस करा करके NDCA को रिपोर्ट देंगे, वो भी इसी साल मार्च में। इसके बारे में कुछ? हाँ, वही मैं जो बता रहा जो उड़ीसा का जो फिगर आता है वो बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग फिगर है। आप देखेंगे उड़ीसा में जितना जंगल है इलाका, और मध्य प्रदेश को कंपेयर कीजिए या इवन उत्तराखंड कंपेयर कीजिए, उत्तर प्रदेश कंपेयर कीजिए, कर्नाटक कंपेयर कीजिए, आंध्र कंपेयर कीजिए, हर एक स्टेट उड़ीसा से बेटर करता है टाइगर कंजर्वेशन में। हर राज्य में टाइगर का संख्या बढ़ रही है, लेकिन उड़ीसा में घट रही है और एक दो स्टेट में छोटा छोटा स्टेट में घट रही है, जैसा छत्तीसगढ़ में भी घट रही है। उसका मेन कारण है टाइगर का यहाँ बहुत सारे शिकार होता है और उड़ीसा सरकार वन विभाग का कोई प्लान नहीं है टाइगर कंजर्वेशन के लिए, कैसे उसको बचा जाए। आप देखिए सिमलीपाल इतना अच्छा एरिया है, इलाका है जो करीबन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, 4th लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है
3000 स्क्वायर किलोमीटर एक्चुअल टाइगर रिजर्व एरिया है, हाँ। उसको लगकर भी रिजर्व फॉरेस्ट है जो कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, तो 3000 स्क्वायर किलोमीटर जो टाइगर रिजर्व है सिमलीपाल का, वो फर्स्ट बैच टाइगर रिजर्व में फॉर्म हुआ था 1972 में, जब भारत मिसेज इंदिरा गांधी ने शुरू की थी प्रोजेक्ट टाइगर, तब से वो सृष्टि हुआ था, तो तब से वो चल रही है। और वो एरिया में देखिए सिमलीपाल में 101 टाइगर लोग बता रहे थे 2006 में अपना सेंसस में, अभी घटकर सिमलीपाल में 25 से भी कम टाइगर है, और वो भी बहुत मतलब डेंजर में है, क्योंकि 14 साल के अंतराल में 75 या समथिंग टाइगर जो कम हुए, ये क्या विश्वसनीय आंकड़ा लगता है आपको? हाँ, वो तो एनटीसीए का फिगर, एनटीसीए जब स्टार्ट किया सिमलीपाल में फर्स्ट टाइगर सेंसस, वहाँ तो बहुत कम टाइगर दिखाया गया, मतलब मेरा हिसाब से तो 50 से भी कम था एनटीसीए का जो फर्स्ट सेंसस आया था 2008 में, उसके बाद लगातार घट के अभी 25 से कम टाइगर दिखा रहा है। और मेन चीज है इसके लिए कोई उत्तरदायित्व जो फिक्स करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है, किसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं फिक्स होता है, तो करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है, भारत सरकार के पैसा खर्चा हुआ है पेट्रोलिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, टाइगर मैनेजमेंट के लिए सिमलीपाल में, मेरे हिसाब से 60 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ है लास्ट 10 साल के अंदर सिमलीपाल में टाइगर प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अल्टीमेटली टाइगर का फिगर घटते जा रहा है, तो उसके लिए कोई ऑफिसर को जिम्मेदारी नहीं ठहराया गया, किसका अगेंस्ट में एक्शन नहीं, कोई सस्पेंड नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी भी नहीं बिठाया, तो पूरा कवर अप एक्सरसाइज कर राज्य सरकार ने उसको चला रहा है टाइगर कंजर्वेशन हमारे ओडिशा में, कोई इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती। अच्छा, सतकोसिया की क्या पोजीशन है? सतकोसिया में तो बताते हैं कि अब ले लेके एक टाइग्रेस है सुंदरी जो मध्य प्रदेश से लाई गई, उसके बाद वहाँ कोई टाइग्रेस या टाइगर है ही नहीं। देखिए, सतकोसिया जब फॉर्म नोटिफाई हुआ था 2008 में, तब 14 टाइगर थे बोल रहे थे जी। उसके बाद घटते अल्टीमेटली एक टाइगर को फिगर कम हो गया 2018 में, तब ओडिशा सरकार ने डिसाइड किया कि मध्य प्रदेश से टाइगर लाकर वहाँ पे छोड़ेंगे वाइल्ड में, पॉपुलेशन फिर ग्रो बैक करेंगे। लेकिन हम लोग उसमें और एक स्टोरी हुआ था 2013 में, एक मेल टाइगर था, वो सतकोसिया निकलकर जंगल में आठगढ़ जंगल देखकर नंदनकानन आसपास घूम रहा था, उसको इन लोग पकड़कर नंदनकानन में पिंजरे में डाल दिए। तो हम लोग उनका बहुत प्रोटेस्ट किया था, मांग किए थे जे टाइगर को निकाल कर छोड़ दीजिए, जहाँ से वो आया है सतकोसिया में छोड़ दीजिए, क्योंकि वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन घट जाएगा। उन लोग सुने नहीं, वो टूरिज्म के लिए उसको डालकर अभी भी वो टाइगर पिछले 7 साल में इम्प्रिजन होकर कैदी बनकर वो पिंजरे में है। तो वहां से जब टाइगर, इसके ओडिशा सरकार का अजीब नीति है पॉलिसी, जब टाइगर निकल आती है सबको से उसको बांध करके रख देते हैं पिंजरे में, फिर जाते हैं ढूंढने के लिए नया टाइगर लाने के लिए मध्य प्रदेश को मानते हैं। तो ये नीति हम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लोग चाहते हैं। और अल्टीमेटली जब लाने का प्लान हुआ, 6 टाइगर एक 6-3 पैर लाने का था मध्य प्रदेश से, तो एक पैर लाए थे उन लोग, लेकिन इतना प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम जो होने वाला था वो हमको सब पता था, हम बार बार राज्य सरकार को हम ये किए वन किए जे ऐसे करने से बहुत सारे दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ सबको से हमें 50,000 से ज़्यादा गाय भैंस जाते हैं खाने में, ये करने के लिए क्रेजिंग करने के लिए हर दिन, तो टाइगर कंफ्लिक्ट में आएगा, जरूर मारेगा, लोग ने उसको प्रतिवाद करेंगे, तो वैसे ही हुआ बिल्कुल, तो वो गाय भैंस को मारा टाइगर्स ने, और उसमें इतना गाँव भी है सबको से अंदर करीबन 100 से ज़्यादा गाँव है टाइगर रिजर्व का। हाँ, मैं गया था, लगभग 102 या 3 ऐसे। तो इतना गांव, इतना आदमी जहाँ हर एक दिन चलते हैं, जंगल जाते हैं पत्ते लाने के लिए, फल लाने के लिए, या उनको इवैक्यूएशन करके बाहर बसाने का भी तो प्लान सरकार का था। एक ही वो प्लान था, लेकिन एक ही गांव मतलब किए हैं वो, अब दूसरे गाँव नहीं कर पाए। अच्छा। तो एक ही गाँव उसको डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल से वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। सतकोसिया में टाइगर रीइंट्रोडक्शन करने से सतकोसिया कभी वो हो नहीं पाए, वो अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। रादर जो टाइगर सिमलीपाल में है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसमें जो शिकार हो रहे हैं, जो सांभर शिकार हो रहा है, हर एक दिन वहाँ सांभर शिकार का खबर आ रही है, जो वाइल्ड पिग संघर्ष एवरी डे वहाँ हंटिंग हो रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए, राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए और कदम उठाना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो रहा। सतकोसिया में क्या किया जाना चाहिए? सतकोसिया में देखिए अभी जो सिचुएशन है, जितना आदमी वहाँ उसका अंदर मेटल रोड बन गया, उसका अंदर आपको बहुत सारी खेती बाड़ी है, 50,000 से ज्यादा कैटल उसको ग्रेजिंग होता है, ये प्रॉब्लम जब सॉल्व नहीं होते हैं तो टाइगर छोड़ने का एकदम बहुत बड़ा प्रॉब्लम। क्या इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए? मेरा एक सबको से जैसे सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वैसे रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उसी हिसाब से, उसको टाइगर रिजर्व कर और उसको जबरदस्त टाइगर लाकर बाहर से छोड़ने का कोई फायदा नहीं, वो कभी नहीं होगा, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो बहुत संघर्ष हुआ होगा, और जैसे आग भाग चलेगा, लोग कभी कभी कोई इसको मारेगा, फॉरेस्ट स्टाफ अटैक करेंगे उन लोग, उसका
घर जला देंगे वैसे प्रॉब्लम। अच्छा, उड़ीसा में एक और नया टाइगर रिजर्व नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के आसपास का एरिया बौद्ध वगैरह का, उस एरिया में प्रपोज्ड था और बल्कि उस पर काफी कुछ काम हुआ है, उसके बारे में लेटेस्ट क्या इन्फॉर्मेशन, और क्या आपको लगता है कि सतकोसिया के विकल्प के रूप में उसको, उस रिजर्व जो टाइगर रिजर्व डेवलप किया जा रहा है वो हो सकता है? वो जो सुनापड़ा टाइगर रिजर्व है नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो वो एक्चुअली वो उदंती सेंचुरी है छत्तीसगढ़ को लगकर, तो उसी को एकदम कनेक्टेड है, तो वो अच्छा एरिया है। हम गए हैं एरिया में, 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अच्छा। और उसमें कम से कम 300-350 स्क्वायर किलोमीटर बिल्कुल गांव मुक्त है, कोई गांव नहीं है, कोई बसेरा नहीं है वहाँ, तो वहाँ करने से अच्छा होगा। लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम है, नक्सलिज्म का प्रॉब्लम है। अच्छा। मुझे पता नहीं कितना इन लोग कंट्रोल कर पाएंगे नक्सलिज्म, या गाँव लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं टाइगर, तो अगर, लेकिन वो एरिया वायबल हैबिटेट अच्छा है, और इतना पॉपुलेशन भी, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम है, डिस्टर्बेंस कम है, कोई इंडस्ट्री पास में नहीं है, कोई रेलवे लाइन नहीं, कुछ नहीं है, तो टाइगर वहाँ रीइंट्रोडक्शन करकर, वो लोकल टाइगर पॉपुलेशन वहाँ ऑलरेडी है, शायद 4-5 है, तो उसको अगर प्रोटेक्शन ठीक से दिया जाएगा, सुरक्षा दिया जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा। अच्छा, ये केंद्र सरकार की नीति रही है कि टाइगर की गणना बढ़ाने के लिए वो दो राज्यों से जो एक्सचेंज करते हैं कि अगर टाइगर को भेजना, टाइगर्स को भेजना, ये एक नीतिगत मामला है जो केंद्र सरकार का उसमें आता है, उसी के तहत सतकोसिया में भी मध्य प्रदेश से लाए गए थे। ये क्या इससे टाइगर की संख्या बढ़ सकती है जो इस प्रोग्राम पे अगर सरकारें काम करती हैं तो? देखिए, जो टाइगर रिजर्व में पूरा खाली हो गया, जैसे सरिस्का जी जी और पन्ना, दो टाइगर रिजर्व थे भारत की, सरिस्का राजस्थान में, पन्ना है मध्य प्रदेश में, तो वो बिल्कुल टाइगर मुक्त हो गया था। एक सिचुएशन में एक दिन था टाइगर मुक्त हुआ था, क्योंकि शिकारी होने व्हाइट टाइगर वो रेवा में एक्चुअली पाया था, वो वाइल्ड में मिला था व्हाइट टाइगर, अभी तो वाइल्ड में कहीं नहीं, नंदनकानन जू में है। लेकिन उड़ीसा का एक खासियत है कि हम लोग का ब्लैक टाइगर मिलती है सिमलीबाल में, तो वह सारे विश्व में एक ही जगह में जहाँ ब्लैक टाइगर देखा जाता है उड़ीसा में, सिर्फ सिमलीपाल में। लास्ट 15 साल का रिकॉर्ड है, 20 साल का रिकॉर्ड है। हाँ। अभी भी कैमरा ट्रैप में मिला, उसका चित्र मिला था टाइगर, ब्लैक टाइगर का, तो वो एक यूनिक चीज है उड़ीसा का। तो पूरे वर्ल्ड में सिमलीपाल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल सिमलीपाल एक ही जगह है सारे वर्ल्ड में जहाँ की ब्लैक टाइगर मिलती है। अच्छा, NTCA एक अथॉरिटी है जिसको कि ये राइट होता है कि अगर उसके जो भी गाइडलाइंस हैं, डायरेक्शंस हैं जो राज्यों को मानने पड़ते हैं और वो नहीं मानते, जो कॉन्फ्रेंट्रेशन होता है दो राज्य में और केंद्र के बीच में, यानी उस अथॉरिटी के बीच में, तो उस पर ऐसी कभी कोई, आपने सुना कि कोई उड़ीसा का इशू ले लीजिए आप देखिए, आपको मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे जब सतकोसिया का टाइगर निकल कर आ गया नंदनकानन में, लोग जबरदस्ती लीगली उसको कैप्चर करके रख दें, कैद करके रख दें पिंजरे में, हम लोग बार बार NTCA को कंप्लेंट दिए, टाइगर वाइल्ड टाइगर है, उसको रख नहीं सकता जू, उसको छोड़ने का व्यवस्था किया जाए। NTCA ऑर्डर दिया, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऑर्डर दिया, लेकिन राज्य सरकार सुने नहीं, तो तब हम NTCA को गुजारिश किए थे कि आप उसको एक्शन लीजिए, केस फाइल कर दीजिए जू डायरेक्टर का अगेंस्ट में, लेकिन किए नहीं, तो यही दुख की बात है। NTCA को लीगल पावर दिया गया, वो केस फाइल कर सकते हैं, जो अधिकारी जिस राज्यों के भी हो या केंद्र के भी हो, अगर उनका डायरेक्शन नहीं पालन किए तो उनका अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो किए कर रहे हैं, अभी तक एक ही भी केस नहीं फाइल किए किसका अगेंस्ट में। आपको क्या लगता है कि NTCA इट इज लाइक एन अथॉरिटी, लाइक अ टाइगर विदाउट टीथ एंड नेल्स? नो, इट इज अ टाइगर विद टीथ एंड नेल्स, वी कांट से दैट इज नॉट विदाउट टीथ एंड नेल्स, लेकिन वो कभी काटते नहीं, कभी भोगते नहीं, क्योंकि वो इशू आ जाते हैं बिरादरी का इशू आ जाता है। वाई IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर बैठते हैं, जो राज्य में जो चलाते हैं टाइगर रिजर्व, वो भी फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर बैठते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लॉस तो टाइगर की गणना का होगा। अल्टीमेटली टाइगर राज्य का या देश का जो नेचुरल रिसोर्स है, जो टाइगर जो है नेशनल एनिमल, उसका नुकसान हो रहा है। ऐसे जो पॉलिसी NTCA का जो डायरेक्शन, जब राज्य ने नहीं मानेंगे, ऑफिसर ने नहीं मानेंगे, तो NTCA को तुरंत उनके नाम पर केस बुक करना चाहिए। एक बार केस बुक करने से वो ऑफिसर डरेंगे, तो दूसरे राज्य में ऑफिसर भी उसको उदाहरण कर एग्जाम्पल कर मानेंगे, सुनेंगे। आपकी जानकारी में आज तक कोई एक भी केस ऐसे एक भी केस नहीं रजिस्टर हुआ NTCA तरफ से पूरा देश में लास्ट 15 साल का अंदर? और प्रोजेक्ट टाइगर को NTCA में कन्वर्ट कब हुआ, मतलब कब इसका रूप दिया गया था, कितने साल हो गए? बहुत दिन हो गया, 2006 में उसको कन्वर्ट किया था, 2006 में उनको लीगल पावर दिया गया था, 14 साल में कुछ भी नहीं। आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको अमेंडमेंट कर NTCA को लीगल पावर दिया गया था डायरेक्शन इश्यू करने के लिए और एक्शन लेने के लिए। मंत्री साहब, एक आखिरी सवाल ये पूछेंगे कि दो बातें बल्कि हम कहेंगे,
जो उड़ीसा में टाइगर सेंसस को लेकर के जो एक कंट्रोवर्सी आई है, और 91 का सेंसस उड़ीसा में टाइगर्स का और 2006 का जो सेंसस सिमलीपाल वाला अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उसको और आज की स्थिति को देखते हुए तेजी से झुक गया है। तो क्या ये वास्तव में इतनी तेजी से उड़ीसा में टाइगर कम हुए हैं शिकार की वजह से या अन्य वजहों से, या कहीं फिगर्स या गणना में कहीं कुछ गड़बड़ कहीं छोड़ है, क्या लगता है? देखिए बहुत सारे आदमी लोग, बहुत सारे ऑब्जर्वर बोलते हैं जो उड़ीसा का फिगर जो पहले से जो फिगर थे वो गलत फिगर थे, क्योंकि जो प्रक्रिया उन लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे पंजे की जो निशान होता है उसको पगमार्क जिसको बोलते हैं, उसको लेकर प्लास्टर कास्ट कर फिगर निकालते थे, तो वो सिस्टम गलत है पूरे सारे विश्व बोलती थी, लेकिन उड़ीसा उसको चला रही थी उस सिस्टम में। और जो अल्टरनेट फिगर जो की बात उन लोग बोल रहे हैं वो उसी सिस्टम्स के बोल रहे हैं, वो ये बात नहीं है कि पंजे का सिस्टम पूरा टोटली डिस्कार्ड किया गया, वो भी यूज होता है, लेकिन जानने के लिए एरिया में टाइगर है कि नहीं, गिनने के लिए नहीं, खाली जानने के लिए, जानकर लेने के लिए एरिया में टाइगर है कि नहीं, यहाँ हम कैमरा ट्रैप लगाए कि नहीं, वो डिसीजन के लिए पंजे मार्क भी स्टडी किया जाता है। लेकिन उड़ीसा सरकार ने पंजे मार्क को पेश करके सिमलीपाल में बोल रहे थे 101 टाइगर, अभी भी बोल रहे थे नहीं हमारा, कभी उड़ीसा सरकार अभी तक माने नहीं जी हमारा पिछले फिगर गलत थे, तो हमको पकड़ना चाहिए जी जो फिगर पिछले थे वो सही थे, और जो टाइगर का फिगर अभी नया फिगर जो है सिमलीपाल का, वो इतना जो फसलें जो बन गए, जो इतना गैप हो गया, तो उसके लिए जिम्मेदारी फिक्स करना चाहिए। हम बार बार मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से हम अपील करते हैं कि सिमलीपाल का जो टाइगर फिगर कमी हो गया, तो उसके लिए जिम्मेदारी फिक्स किया जाए, एक्शन लिया जाए जो पार्क मैनेजमेंट थे और पीरियड में, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। और NTCA और ये जो स्टेट की जो एजेंसीज वन विभाग है, इनमें क्या और भी ऐसे सुधार होने चाहिए ताकि टाइगर की गणना? देखिए सुधार के मेरा हिसाब से अपना जो भी एजेंसी है, मेरे हिसाब से इनफ लीगल पावर उनको दिया गया, इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें क्या करेंगे, एक आदमी को आप पावर देंगे, बोलेंगे तुम, आपको ये जिम्मेदारी दिया गया इसको टाइगर को बचाओ, पैसा चाहिए पैसा दिया गया, तो उसको पूछना चाहिए ना, जब आफ्टर एंड ऑफ 5 साल की जो टाइगर आपको हमने 20 टाइगर दिया था, अभी 5 टाइगर कैसे हो गया रिजर्व में, 15 टाइगर गए कहाँ, तुम हिसाब दो हमको। तो वो प्रश्न कोई मंत्री नहीं पूछते, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं पूछते, कोई फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर जो सेंटर का वो भी पूछते नहीं। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स किया जाए ऑफिसर के ऊपर, टाइगर्स कंजर्वेशन वीक रहेगा। एक पर्सनल सवाल ये है विश्वजीत जी कि आपको इतना नॉलेज रखते हो, इतनी आपको वाइल्ड लाइफ को लेकर के चिंता रहती है, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? देखिए हमको जंगल जाने के बहुत हमको खुशी लगती है। परिवार में कोई वन विभाग में अधिकारी रहे? नहीं, कोई वन विभाग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा पिताजी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हम अलग लाइन में है लगन लाइन से, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेस, नेचर, प्रकृति और जंगल और वन्य प्राणी, इससे हमारा बहुत प्यार था बचपन से। कॉलेज कैडर से भी हम लोग जब जंगल जाते थे, तब हम सोचे जे हम अगर हमारा तरफ से कुछ हो सकता है, कुछ कोशिश होता है को बचाने के लिए, क्योंकि हम जंगल जाते देखते थे कितना लकड़ी कटता था। नहीं, आप ये बताइए कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स फॉर योर एनकरेजमेंट इन दिस फील्ड? कंट्रीब्यूटरी सेटिस्फेक्शन मिलता है जब हम, मतलब पर्सनल सेटिस्फेक्शन, और कुछ नहीं है। ये जो काम हम करते हैं वॉलंटरी काम होता है, कोई उनको पैसा नहीं देता है काम करने के लिए, तो ये बिल्कुल पर्सनल सेटिस्फेक्शन। जो हमारा देश की जो नेचुरल रिसोर्सेज है, टाइगर है या पेड़ है, जो भी है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो मेरा फोकस है। हाँ, सोर्स से जो हमको एंजॉयमेंट होता है, हमको प्लेजर होता है जब हम देखते हैं ये चीज। उनसे हम एक बात और जानना चाहते थे कि ये प्रोसेस क्या है ट्रैकिंग का? देखिए आगे पहले क्या था, हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये जो पंजे निशान जो है, सो टाइगर का एक पंजे का निशान यूनिक होता है, तो एक पंजे से पता चलता है कि टाइगर कौन सा टाइगर है, मेल है या फीमेल है, वो तो इमीडिएटली पता चल जाता है, लेकिन वो मेल है जो X1 है, X2 है, X3 है, वो भी उससे पता चलेगा टाइगर का पंजे से, साइज से और डिजाइन से। तो ये प्रणाली जो है वो आविष्कार किया था उड़ीसा में ही आविष्कार किया गया था, और सरोजराज चौधरी जो थे, हमारा पुराना फॉरेस्ट ऑफिसर थे, सिमलीपाल का पहले डायरेक्टर जो थे, जो सिमलीपाल को बनाए थे 1972 में, तो वो इसको स्टार्ट किए थे। तो वो स्टार्ट कर वो, क्योंकि तब कोई टेक्नोलॉजी नहीं था टाइगर गिनने के लिए, किसी को पता नहीं था कि जंगल में कितना टाइगर है, और जो टाइगर देखते हैं वही टाइगर है या दूसरे टाइगर देखते थे, तो सब गेस्टवर्क में चल रहा था। तो ये एक सिस्टम था तब का टाइम के लिए, सिस्टम ठीक था, क्योंकि तब दूसरा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं था, तो कैमरा ट्रैप नहीं था, दूसरे कुछ नहीं था, तो उसी हिसाब से टाइगर काउंटिंग हो रहा था सारा देश में अप टू 2004 तक। तो 2000 इवन 2000 तक, 2000 के बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के ग्लोबल एक्सपर्टाइज लेकर
डेवलप किए जो कैमरा कैप्चर रिकैप्चर सिस्टम जो मैं बताने जा रहा हूँ तो उसमें फोटोज खींचेंगे, तो फोटो से कहेंगे टाइगर का जो साइड में जो इसका जो छाल होता है स्किन में, उसका स्किन का यूनिक पैटर्न होता है, वो पैटर्न दूसरे टाइगर से मिलेगा नहीं। तो अगर आपको हमको जो फोटो मिल जाएगा सब टाइगर का जंगल में, हम उसको कंपेयर कर देख सकते हैं अलग अलग टाइगर है या सेम टाइगर है, कितना टाइगर है, मोटा मोटी एक आइडिया हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग काम किए, मैंने रॉयल मिशन ने काम किया। और जो पुराना मेथड था, जो पुराने मेथड में प्रॉब्लम था क्योंकि जो पगमार्क पंजे मार्क जो पंजे निशान में जो होता था, तो एक ही टाइगर अगर अलग अलग मिट्टी में चलकर जा रहा था तो अलग अलग पंजे का डिजाइन मिलता था, तो गलत ऐसे हो रहा था कि सेम टाइगर को तीन बार चार बार हम लोग गिन लेते। तो अगर सॉफ्ट मिट्टी था वो उसमें दाग आएगा दूसरे, अगर किसमें गीला मिट्टी था तो गीला मिट्टी में दूसरा दाग आएगी, सूखा मिट्टी था तो दूसरा दाग। तो इसको इलिमिनेट करने के लिए नया मेथड के लिए सब ढूंढ रहे थे। तो जब कैमरा सिस्टम आ गया, तो कैमरा सिस्टम में क्या होता है, जंगल में हमको पता है टाइगर कौन सा रास्ता देकर जाता है, हर दिन उसी रास्ता में कैमरा लगा जाता है, और एक पीरियड ऑफ टाइम मतलब 7 दिन 8 दिन की 15 दिन तक उसका लगातार फोटो खींचा जाता है। जब तक वो जाता है सामने लाइट होता है रोशनी, वो रोशनी जब ब्रेक होता है तो फोटो ऑटोमेटिक, कोई आदमी वहां खड़ा नहीं होता है, रिमोट से चलता है। तो वो फोटो लाकर कंप्यूटर में जब चेक होता है तो कंप्यूटर में प्रोग्राम आजकल निकला है जो सेम फोटो को एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि मैंने पहले से जो बताया जो उसका स्किन का पैटर्न यूनिक है। तो अगर वही टाइगर दो बार तीन टाइम्स फोटो लिया गया तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइगर दिखना ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बता देगा आपको। ऐसे भी आपको आंख से भी कर सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है, ये कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमको एक फिगर मिलेगा जो एरिया में कितना टाइगर है, तो उसको लेकर हम बोल सकते हैं 95% कॉन्फिडेंस है ये एरिया में इतना टाइगर है। और उससे पहले भी बहुत सारे प्रक्रिया है, जब कैमरा लगाने से पहले एक साल से पहले काम शुरू हो जाता है जो एरिया में टाइगर है कि नहीं, क्यों उसका निशाना क्या है टाइगर का, कोई आंख का आंखुन का नाखून का दाग होगा या कोई कैटल टिल किया होगा, कोई गाय मारा होगा या भैंस मारा होगा, कोई आदमी ने देखा होगा कि वो कोई संबर मारा होगा कि हिरण मारा होगा, तो ये सब साइंस जो होता है साइंस ऑफ टाइगर, तो उसको नोट किया जाता है। तो उसी हिसाब से कैमरा लगा जाता है, जो एरिया में ज्यादा साइंस मिलता है तो उसमें ज्यादा कैमरा लगा जाता है, जो एरिया में कम साइंस मिलता है या कोई साइंस नहीं है उसमें बहुत कम कैमरा लगा जाता है, एक कैमरा लगा जाता है। पिछले साल की गणना का भी यही आधार रहा होगा, सब जगह सब वही होता है सब जगह। सर आपको क्या जानकारी है, ऐसी कोई खबर आई भी नहीं मीडिया में कि सरकार ने मार्च के महीने में कहा था एनटीसीए को सेंसस करके रिपोर्ट देंगे, ऐसी कोई रिपोर्ट थी नहीं? अभी तक तो हमारा वाइल्ड लाइफ वन्य प्राणी विभाग जो है ओडिशा सरकार का, अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं दिया, पब्लिक में आया नहीं कुछ। ये तो चलो बहुत अच्छी, तो थैंक यू वेरी मच मोदी साहब, बहुत सूचनाएं आपने दी हैं और बड़ी कारगर सूचनाएं हैं, उसका लाभ देखिए सरकारें कितना ले पाती हैं और लोग कितना ले पाते हैं, ये तो भविष्य बताएगा। थैंक यू।